नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास की एक गौरवशाली उपलब्धि रही है। करीब 1500 साल पहले बनाए गए इस विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जन के लिए देश विदेश के विद्वान और छात्र आते थे। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थी और 10,000 छात्र या विद्वान यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। प्रमुख रूप से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, मगर यहाँ आयुर्वेद, गणित, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे दूसरे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री फायान और वेनसांग तक यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए थे, मगर इतना बड़ा शिक्षा का ये केंद्र कैसे नष्ट हुआ, इसको लेकर विवाद है। विवाद ये है कि इसे बौद्ध धर्म से शत्रुता रखने वाले ब्राह्मण वर्ग ने ध्वस्त किया था या फिर बख्तियार खिलजी ने। इतिहास के जानकार और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे नालंदा के बारे में बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक लंबे अंतराल के बाद सच का सामना में। शुरुआत यहीं से करते हैं कि पहले तो एक नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, ये लोगों को बताया जाए, वो कितना बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र था। हम तक्षशिला के बारे में चर्चा करते हैं, हम नालंदा के बारे में चर्चा करते हैं, अब तो नालंदा को एक नए विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित भी किया जा रहा है, जिसका सिलसिला अब कहना चाहिए 1951 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 2006 में इसे फिर से यूपीए सरकार के दौरान शुरू करने का फैसला किया गया था और अब उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो नालंदा अतीत में क्या था हमारे लिए? देखिए, नालंदा मेरे ख्याल से भारत की जो उपलब्धियां हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, उसमें एक बहुत उच्चतम बिंदु था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5वीं शताब्दी में गुप्ता जो थे, कुमार गुप्ता, उन्होंने की थी। और इसके बाद इसकी जो ज़्यादा उपलब्धियाँ थी वो हर्षवर्धन के समय हुई थी। अब इसमें जो करीब इतनी बड़ी जगह थी कि अभी तो वो यूनेस्को हेरिटेज हो गया है, उसमें कई चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, जैसे गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, कुछ महिलाओं की भी मूर्तियाँ हैं, और जो पुराने कक्षा जहाँ चलती थी और भिक्खु जहाँ रहते थे, जो अध्ययन करते थे, उनकी भी अवशेष मिले हैं। ये जैसे हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंगहम ने इस जगह को खोज निकाला, यानी ये वैसा नहीं है कि जैसे कोई मंदिर तोड़े गए और सब लोग उसको जानते हैं, इसकी तो ये दब गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंगहम ने इसको खोज निकाला और उसके बाद से ये इसके बारे में लोगों के चर्चा में आया। इसकी ख्याति जो है वो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे भारतीय तो यहाँ आते ही थे, उसी के साथ साथ जो चीन है, चीन, कोरिया, लंका और दूसरी जगह से भी ऐसे भिक्षु आते थे जो यहाँ अपना जीवन व्यतीत करके पूरी पढ़ाई में लगे रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इनके आपस में भी काफ़ी चर्चाएं होती थी पूरे ज़िंदगी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, और बुद्ध धर्म के दर्शन का यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व था। अब इसको एक राजाशाही का संरक्षण मिला हुआ था, इतना बड़ा खर्चा था वो राजा के माध्यम से उसने कई गांवों को कह दिया था कि आप इतना अनाज पहुंचाओ, इतना दूध पहुंचाओ, इतनी बाकी चीज़ें पहुंचाओ, जिसके आधार पे बुद्ध भिक्खु वहाँ अध्ययन करते थे पूरी स्वतंत्रता से। अब ये 5वीं शताब्दी में बना हुआ जो लाइब्रेरी है उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ 1000 से लेकर 3000 तक लोग रहते थे। अब उसके अलग अलग स्रोतों में अलग अलग है, पर जो उसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो यानी विद्यार्थी और शिक्षकों का जो प्रमाण था वो करीब 5 और 1 का था, यानी 5 विद्यार्थी और 1 शिक्षक। इससे हम समझ सकते हैं कि शिक्षा की कितनी महत्ता उस समय रखी गई थी और वो कितनी उसमें थी। और जैसे आपने बताया, एक तरफ महाविहार था, दूसरी तरफ ये लाइब्रेरी थी जो कई लोग कहते हैं 7 मंजिला थी, कई लोग कहते हैं 9 मंजिला थी। अब ये थोड़ा 9 मंजिला का विश्वास करना मुश्किल है कि उसमें एक जो तकनीकी समस्या हो सकती है उस समय क्या उतनी तकनीकी समस्या को हल कर सकेंगे, ये इसमें एक शक है। अब खैर, ये गुप्ता के बाद वहाँ जो दूसरे राजा आए
पाला डायनेस्टी आई, उसके बाद सेना डायनेस्टी आई, और सेना डायनेस्टी जो थी वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित थी। अब ये जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत के इतिहास में एक तरफ ब्राह्मणवाद और एक तरफ बौद्ध धर्म, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष रहा है, और ये जो अभी तक चल रहा था एक बुद्धिस्ट लाइब्रेरी के रूप में, बुद्ध धर्म के प्रचार शिक्षा के रूप में, और उसमें दूसरे विषय भी थे, पर प्राथमिक रूप से ये एक बुद्ध धर्म का स्थान था। अब ये सेना डायनेस्टी आने के बाद यहाँ जो सरकारी संरक्षण था वो धीरे धीरे कम होता गया, और जो ब्राह्मणवाद की पकड़ बढ़ने लगी, यहाँ से नालंदा का रास होना शुरू होता है। और ये जो बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है, हम उसके बारे में भी आएंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है, तो वहाँ से उसका जो डिजनरेशन, टूट फाट का होना और दूसरी चीज़ों के बारे में रख रखाव का ना होना, ये सब उसमें होने लग गया था। अब जहाँ तक बख्तियार खिलजी के बारे में, क्योंकि वहाँ नज़दीक में इस पर आते हैं प्रोफेसर राम पुनानी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और नालंदा के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि नालंदा बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जो खुदाई के बाद अभी जो क्षेत्र दिख रहा है वो पूरा नहीं है, अभी बहुत सारी खुदाई होनी बाकी है, और उसके बाद हो सकता है कि वहां से और भी बहुत कुछ निकले। दूसरा ये कि नालंदा से दुनिया भर में, नालंदा के प्रोफेसर या अध्यापक या शिक्षक दुनिया भर में जाते थे ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान देने के लिए, और दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले ही बन चुका था, और वो इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र पूरे एशिया में तो था ही, विश्व के स्तर पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ज्ञान का केंद्र था, और भारतीय सभ्यता जिस ऊंचाई पर पहुंची थी उसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय की भी भूमिका थी, इसीलिए उस पीरियड को स्वर्ण काल भी कहा जाता। मैं ठीक हूँ प्रोफेसर पुनानी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसलिए जो जिसको आज रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान, अध्ययन, और ये प्राथमिक लेवल पे नहीं लेते थे, ये जो विद्यार्थियों को लेते थे ज्यादातर 20 साल की उम्र के बाद लेते थे, जबकि उनके बीच में कुछ परिपक्वता हो। और मजे की बात ये है, वहाँ उस समय एंट्रेंस टेस्ट भी होती थी, यानी उनकी जो दाखिले के लिए परीक्षा के समय भी, नीट जैसा नहीं होता था, नीट जैसे नहीं होता था, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उसमें उसके माध्यम से इसका जो स्तर था शिक्षा का और अनुसंधान का वो काफी ऊंचा था। और ये बात तो साफ है कि अब कोई चाइना से आ रहा है, कोई कोरिया से आ रहा है, कोई तिब्बत से तो कई लोग आए, और इधर श्रीलंका से आए, तो वो ऐसे तो नहीं आएंगे। जब उसमें एक कोई गहराई हो, ज्ञान की सीमाओं को ऊपर तक ले जाए, तो ही वो लोग आते थे। और कई लोग तो यहाँ जन्म जन्म भर निकाल देते थे अध्ययन करते हुए और दर्शन शास्त्र के इसमें देते हुए। अब जैसे मैं दूसरी बात पे आ रहा था, ये इसकी विशालता के बारे में, महानता के बारे में कोई शक नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसको निकाला और खोद के निकाला, उस बात से उसके बाद से इस पर चर्चा चालू हुई, और अभी तो ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट बन गई है जी। लेकिन यहाँ प्रश्न मेरा, क्या ये पूरा इलाका दब गया था? ये मतलब कोई भूकंप आया था, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जमीन के नीचे धस गया था, और उसे बाद में खोद के निकालना पड़ा? देखिए, खोज के तो निकालना पड़ा, पर ये पूरा कोई भूकंप वगैरह की बात नहीं है। सवाल ये, जैसे मैंने कहा कि ये सेना डायनेस्टी आने के बाद उन्होंने इसको जो संरक्षण देना वो कम कर दिया, और एक लंबे अरसे तक जब इसको संरक्षण नहीं मिला, रखरखाव नहीं मिला, तो उसके कारण कई जो उसका दब गई होंगी चीज़ें, और ऊपर से दूसरी चीज़ें उसके ऊपर आ गिरी होंगी, जिसके कारण ये पूरा स्पष्ट रूप से दिखा नहीं। इसीलिए कनिंघम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एक बड़े क्षेत्र में खुदाई करके एक एक चीज़ को लाने की। तो इस प्रकार से घटना तो मुख्य रूप से ये राजाशाही के संरक्षण की बात है, और इसका डिक्लाइन काफ़ी पहले से चालू हो गया। और एक शिलालेख तो ये भी बताता है कि ये 11वीं शताब्दी में इसका ह्रास हो गया, और खिलजी जो आया था, ये बख्तियार खिलजी, वो 13वीं शताब्दी में आया था। ये एक शिलालेख का उल्लेख रुचिका शर्मा करती हैं, जो एक इतिहासकार हैं, और वो बताती हैं कि उस शिलालेख में ये लिखा हुआ है कि इसका ये ध्वंस
जो ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो कमजोर होना, गिरना, ये कब हुआ था। तो ये एक मुख्य बात, बहुत सरल सी बात जो हम समझ सकते हैं कि इसको बख्तियार खिलजी ने जो जलाया या नष्ट किया उसके विरोध में एक सबसे मजबूत बात यही जाती है। दूसरी बात ये है कि बख्तियार खिलजी, इसमें थोड़ा सा और आपके विस्तार चाहूंगा कि बख्तियार खिलजी बाद में आया, इसके पहले ही इसका डिक्लाइन भी हो चुका था, ये नष्ट भी हो चुका था, यहाँ पर विद्या अध्ययन का काम खत्म हो चुका था, महाविहार में भिक्षुओं का रहना भी बंद हो गया था, ये सारी चीजें हो चुकी थी, उसके बाद बख्तियार खिलजी का आगमन होता है, इसलिए उससे उससे इसको जोड़ना एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण होगा कि किसी मुसलमान ने इसको ध्वस्त किया है, ये कह दो तो जो बाइनरी चलता है, नरेटिव चलता है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस बौद्ध बनाने की कोशिश होती है, वो है ये। फिर इस नैरेटिव में ब्रिटिश या ब्रिटिश इतिहासकारों का भी बहुत हाथ है। ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए वैसे भी वो इस्लाम को, मुसलमानों को एक दानवीकरण के रूप में प्रस्तुत करते थे, और जैसे आपने कहा कि एक सिंपल बाइनरी उन्होंने बना दी थी कि भाई मुसलमान खराब, ये जगहों का ये ध्वस्त करते हैं और धर्मांतरण करते हैं, वो तो बात दूसरी चीजें जो अभी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चल रही बारे में चल रही है, पर ये उसका नैरेटिव जो है ये ब्रिटिश इतिहासकारों के माध्यम से ही बना कि बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा। पर जो वास्तव में हम देखें तो बख्तियार खिलजी जो आया था वो अफगानिस्तान की तरफ से आया था, वो एक दूसरे लुटेरे जो शासक थे पहले महमूद गोरी, उनके इसमें दरबार में था, वहां से वो आया। तो उसका जो असाइनमेंट था वो था पूर्वी भारत में जाके लूटमार करना, और उसका उद्देश्य था दिल्ली से बंगाल की तरफ जाना। अच्छा, दिल्ली से बंगाल की तरफ जाना तो रास्ते में जो जगह आएगी वो तो लूटते जाएगा, क्योंकि राजाओं के काम तो वही होते थे। तो उसका जो आसपास की जगह है बिहार शरीफ, वो उस समय एक बड़ा केंद्र था, और उसने बिहार शरीफ को जी भर के लूटा। अब ये जो नालंदा है ये दिल्ली से बंगाल के रास्ते से दूर है, ये पहली बात हम समझ लें कि वो जो रास्ता है उससे दूर है, क्योंकि पटना से भी ये कोई 90 किलोमीटर के तरफ आता है और ये उस मुख्य रास्ते पर नहीं पड़ता। तो अगर उसको यहाँ आना होता तो एक अलग एक्सपीडिशन, अलग प्रकार से उसको अपना रास्ता अपनाना होता। तो खैर बिहार शरीफ में उसने ये किया। अब जो स्रोत, बिहार शरीफ मुसलमानों का पवित्र स्थल है, वहां लूटमार उसने की जी। अब कहीं भी कोई स्रोत में भी ये नहीं दिया कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया, ये जो वास्तविक स्रोत होते हैं। अब उसमें जैसे भारत के इतिहास में हम देखें आरसी मजूमदार हैं, दूसरे जो अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, इवन राइट विंग की तरफ से जो अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने इसका वर्णन तो किया है, पर जैसे जगन्नाथ सरकार और आरसी मजूमदार, ये दो महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनको राइट विंग वाले भी महत्व देते हैं, तो उन्होंने भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को तोड़ा। दूसरी एक और बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि बख्तियार खिलजी पर बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें बख्तियार खिलजी का वर्णन है, जैसे एक बड़ी फेमस किताब है तबाकत ए नसीरी, ये मिन्हाज सिराज की है, मिन्हाज सिराज की, जो करीब इसके नालंदा के 400 साल बाद लिखी गई, और उसमें भी वो यही कहता है कि उसने लूटमार की, हत्याएं की, रास्ते में जो पड़ते थे उनकी लूटमार की, हत्याएं की, पर नालंदा का उल्लेख वो नहीं करता। इसके बाद एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर जो तिब्बत से काम करते थे, तारानाथ की भी किताब, वो भी इसका उल्लेख नहीं करते कि नालंदा, क्योंकि नालंदा तो उनके लिए एक बहुत पवित्र जगह थी, कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा इसके बारे में वो भी कोई उल्लेख नहीं करते। तो मुख्य रूप से ये जो नैरेटिव बनाया गया कि बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, वहाँ पर वो जा रहा था, रास्ते में ये जगह पड़ी, उसने तोड़ा था, ये नैरेटिव एक बना और उसको फिर ज़्यादा हवा दी गई 19वीं शताब्दी के बाद में, जब बाकी नैरेटिव हिंदू राष्ट्र, हिंदू सांप्रदायिकता का बन रहा था, उसके साथ इसको भी जोड़ दिया गया। अब एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो रख रखाव की बात थी, और दूसरी बात क्या थी कि जब यहाँ फिर एक
तरफ से ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, तो वहाँ एक यज्ञ चल रहा था, वहाँ एक भोज चल रहा था। ये टीएन झा जो हमारे महान इतिहासकार हैं बताते थे, एक भोज चल रहा था, उसमें दो ब्राह्मण भी आए, ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए। तो वहाँ जो श्रमण थे बौद्ध तो कुछ लड़के थे, उन्होंने इनका अपमान किया। तो एक ब्राह्मण ने अपने मन पर ले लिया कि मैं इसका बदला लूंगा। तो उसने एक साल तक सूर्य यज्ञ किया, और सूर्य यज्ञ के बाद जो लकड़ियां थी, जलती हुई लकड़ियां, वो लाइब्रेरी में फेंक दी गई। ये डीएन झा अपने रिसोर्सेस के माध्यम से हमको बताते हैं। तो ये दो चीजों के मिलावट से, एक तो राजाओं का आश्रय ये सपोर्ट कम होना, और दूसरा ये ब्राह्मणों का वहाँ बुद्ध से धर्म से, तो वैसे ही उनका एक 36 का आंकड़ा था उनका, उसमें लकड़ी। तो अभी आपने जिस लाइब्रेरी को जलाने की बात की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ 90 लाख किताबें थीं और बख्तियार खिलजी ने उसमें आग लगा दी और आग 3 महीने तक जलती रही, ये भी एक किंवदंती है, कहा जाता है, सच्चाई क्या होगी, तो 3 महीने में कौन सी आग किताबों को जलाती रही होगी, अपने आप में एक सवालिया निशान इस पे लगता है। लेकिन ये लाइब्रेरी को चलाने का जो पूरा मामला है वो बख्तियार खिलजी से नहीं जुड़ता है, वो अगर जुड़ता है तो उन ब्राह्मण छात्रों या युवकों से जुड़ता है जो नाराज होकर गए थे और बदला लेना चाह रहे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने उसको समराइज किया। तो इसके बारे में जो किंवदंतियां हैं, क्योंकि कोई मुसलमान कोई मस्जिद को, ये मंदिर को तोड़ रहा है या बौद्ध स्थल को तोड़ रहा है, ये तो बहुत लोगों के मन में बिठाना काफी आसान है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी धरती को तैयार किया गया, मतलब ग्राउंड को तैयार किया गया है, उसमें मुसलमान राजाओं पे ये आरोप लगाना और उससे आगे निकल जाना बहुत आसान है। जबकि जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं जिसमें खिलजी का उल्लेख आता है, उसके जीवन का उल्लेख आता है, किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं है कि उसने नालंदा को अटैक किया। और जैसे मैंने पहले बताया, उसको मैं दोहरा रहा हूँ, कि वहाँ जो शिला लेख एक मिलता है कि उसका जो ध्वंस हुआ था वो 11वीं शताब्दी में ही हो गया, जो जलना और उसका डिजनरेशन 11वीं शताब्दी में हो गया था। और 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी आता है, जो उसका उद्देश्य रहता है बंगाल में जाकर जो वहाँ के शासक हैं उनको लूटना और वहाँ से संपत्ति लेकर आना। ये उसका एक नालंदा का एक ट्रेजिक चैप्टर है, कि जो चीज़ें एक तरफ से ब्राह्मणवाद और बुद्ध धर्म के टकराव से हुई, उनको भी मुसलमानों पर डाल देना, ये एक तरीका बन गया था। वास्तव में तो जैसे हमने देखा कि भारत में मुख्य रूप से यही एक चीज थी जिसके कारण बहुत सारे बुद्ध विहार भी तोड़े गए और बोधि वृक्ष को भी काटा गया, कई जिसके कारण भारत से बुद्ध धर्म प्राय लुप्त हो गए। ये सब चीज़ें इसी कड़ी में इस नालंदा के विश्वविद्यालय को भी देखा जाना चाहिए। मतलब ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच में जो संघर्ष चला, जिसमें बाद में ब्राह्मणों ने बौद्धों पर तमाम तरह के आक्रमण किए, बहुत सारे राजाओं ने ब्राह्मणों के कहने पर बौद्धों पर आक्रमण किए, और हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि किस तरह से ये तक कहा गया कि एक सिर लाओगे बौद्ध को तो इतना इनाम मिलेगा, ये सारी चीजें भी घटित हुई हैं। तो वो जो बैर भाव था वो बना हुआ था, बेशक चंद्रगुप्त हिंदू राजा था, हर्षवर्धन हिंदू राजा था, और उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया, पनपाया और वहां ये सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन बाद में ऐसे राजा आए जो ब्राह्मणवाद से प्रेरित थे और उन्होंने नालंदा को खत्म करने में एक भूमिका अदा की। उसमें एक और बात भी है कि नालंदा के पास कुछ और शिक्षा के स्थल भी खुल गए थे। तो ये जिस राजा की हम बात कर रहे हैं, सेन वंश की, उन्होंने उनको भी ज्यादा पैट्रनेज दिया, उनको ज्यादा सहायता दी और नालंदा से अपनी सहायता को निकाल लिया। तो लुब्बल हुआ तो यही है, ये जो क्योंकि ये बुद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था, वहाँ की शिक्षा का केंद्र था, इसलिए ब्राह्मण राजा या ब्राह्मण उस प्रकार से इसके खिलाफ थे, जिसकी परिणति इसके एक डिजनरेशन में और इसके लाइब्रेरी के जलाए जाने में। तो नालंदा के आसपास जो शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए उस समय राजाओं के द्वारा, वो बौद्ध विरोधी थे, वो बौद्ध हिंदू केंद्र थे, वो ब्राह्मणवाद से प्रेरित थे।
ज्यादा तो उत्पन्न वाले जैसे उसमें एक नाम मैंने नोट उदंतपुरी नाम की एक जगह है, एक ही नोट की वैसे तीन जगहें और थी जिसको राजाओं ने पकड़ दिए जहाँ ब्राह्मणवाद का वर्चस्व ज्यादा था। तो ये तो इसका मतलब है कि ये बाकायदा पनपाया गया ब्राह्मण बनाम बौद्ध, एक माहौल बनाया गया और उसमें इसका पतन हुआ। हम नाहक ही बख्तियार खिलजी को दोष देते हैं, बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे पाप किए होंगे, दुष्कर्म कर्म किए होंगे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां तक नालंदा का ताल्लुक है वो किसी बख्तियार खिलजी की वजह से नष्ट नहीं हुआ बल्कि हिंदू राजाओं की वजह से नष्ट हुआ और ब्राह्मणवाद की वजह से, वो हिंदू राजाओं का ब्राह्मणवाद था जिसने इसको पतन करवाया। और ये एक मतलब बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र जिससे भारत की ख्याति दुनिया भर में फैली, उसके ज्ञान का प्रकाश फैला और वो हमारी भारतीय सभ्यता का एक तरह से चरमोत्कर्ष भी था, और वो इस तरह से नष्ट किया इस तरह के राजाओं ने और इस तरह के ब्राह्मणवाद ने। ये एक बहुत दुखद पहलू है नालंदा का, जिसको हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसको उस सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए जो प्रचारित किया जा रहा है एक विचारधारा विशेष के लोगों के द्वारा। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? इसमें बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे आचार्य थे, शिक्षक थे, जो जैसे नागार्जुन का नाम लिया जाता है और भी दूसरे, ये एक किस तरह से ये विश्व में इतने बड़े ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित और स्थापित हो गया, ये भी अपने आप में अनूठा है क्योंकि उस युग में कोई सोशल मीडिया और प्रचार प्रसार के साधन संसाधन तो थे नहीं, लेकिन एक ज्ञान का केंद्र इस तरह से विकसित हो जाए कि दुनिया भर में उसकी ख्याति हो जाए, ये अपने आप में एक अचरज की चीज है। देखिए जैसे आपने नागार्जुन का नाम लिया वैसे ही आर्यभट्ट का भी संबंध, आर्यभट्ट ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। तो ये इस मेरे ख्याल से इसलिए था क्योंकि इसको एक बार एक तो आर्थिक समस्या शुरू में नहीं रही जिसके कारण जो विद्वान थे वो पूरे प्रतिबद्धता से अपने ज्ञान अर्जन का काम कर सकते थे और वो ये दोनों चीज़ें मिला के दोनों तीन चीज़ें मिला के इसकी ख्याति भी बढ़ी और भारत में ज्ञान का जो धरातल था वो इन्होंने बहुत ऊँचा ले गए, उसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका, नमस्कार।